राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने ही सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। सचिन ने गहलोत के आरोपों पर आज खुलकर जवाब दिया। सचिन ने कहा कि पहली बार देख रहा हूं कि कोई अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों की आलोचना कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं की तारीफ और कांग्रेस नेताओं का अपमान मेरी समझ से बाहर है, ये पूरी तरह गलत है। सचिन पायलट ने यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री की बातों से लगता है कि उनके नेता वसुंधरा राजे हैं, सोनिया गांधी नहीं। आप जानते हो पिछले 1.5 साल से चिट्ठियां लिख रहा हूं वसुंधरा जी के कार्यकाल में, जो तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, अशोक गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, मंचों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई। मेरे चिट्ठियां लिखने के बावजूद मैं 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन पर बैठा इस मांग को लेकर, लेकिन अब मैं नाउम्मीद हूं क्योंकि तथ्य सामने आ रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं होगी, ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है। और जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा से पूरी खबर पर डिटेल लेते हैं। शशि, एक बार फिर से सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ और गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के जड़ में क्या है, जरा बताइए क्या चल रहा है राजस्थान की सियासत में। देखिए, सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज अपने दिल की बात कह दी है। हो सकता है वो काफी हल्का भी महसूस कर रहे होंगे, उनके मन से बोझ उतर गया होगा, लेकिन यह खींचतान सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में आज की नहीं है। दरअसल 2020 में, आज से तकरीबन 3 साल पहले जो घटनाक्रम हुआ, प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल बना, तब से ही ऐसा खींचतान चली आ रही है। सचिन पायलट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की, तो 2 दिन पहले रविवार को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर में जो बयान दिया उसका जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उन्होंने बड़े सिलसिलेवार तरीके से बात रखी। पहले कर्नाटक चुनाव का जिक्र किया, उस चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जो आरोप लगाए गए, उनके परिवार की हत्या करने की जो बात कही गई, धमकी दी गई, उसका जिक्र करते हुए उसकी निंदा की। फिर सचिन पायलट अपने मुख्य मुद्दे पर आ गए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 दिन पहले का भाषण सुनकर उन्हें लगता है कि सोनिया गांधी उनकी नेता नहीं है बल्कि वसुंधरा राजे को वो अपनी नेता और सहयोगी मानते हैं। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आरोप लगाए उनके साथी विधायकों पर कि किसी ने पैसे लिए, तो जो आरोप लगाए गए या तो उनके प्रमाण बताए जाएं और अगर ऐसे कोई आरोप हैं तो वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, कार्रवाई की जा सकती है। सचिन पायलट ने ये कहा कि जो पैसे लेने के आरोप जिन लोगों पर लगाए गए उनका 30-30, 40-40 साल का लंबा राजनीतिक करियर है। उन्होंने 2-3 दिन पहले जो शनिवार को कार्यक्रम हुआ बाड़मेर में उसका जिक्र करते हुए कहा कि हेमाराम चौधरी ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए की अपनी जमीन बेटे की याद में जो एक छात्रावास बनाया गया उसको दान कर दी, उस पर 22-25 करोड़ रुपए की लागत से एक हॉस्टल बनाया गया। तो जो व्यक्ति इतना पैसा खर्च कर सकता है उसके ऊपर आरोप लगाने पर सचिन पायलट ने सवाल उठा दिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग पैसे के दम पर राजनीति करते आए हैं उनको हर चीज में पैसा ही दिखता है। ऐसा कहकर उन्होंने परोक्ष रूप से क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही निशाना साध दिया। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो वोट मांगेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और एक यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा को जो स्टूडेंट्स और युवा लोग हैं उनके समर्थन में RPSC जो अजमेर में ऑफिस है वहां से लेकर जयपुर निकालेंगे। तकरीबन 125 किलोमीटर की ये यात्रा होगी और पैदल चलकर 5 दिन में 11 मई से ये यात्रा शुरू होगी। आप देखिए 11 मई वो दिन है जब 1 महीना हो जाएगा उनके अनशन को। 11 अप्रैल को उन्होंने अनशन किया था पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में, जो भ्रष्टाचार के कथित मामले थे उनकी जांच की मांग को लेकर अशोक गहलोत सरकार से उन्होंने मांग की थी। साथ में आज उन्होंने ये भी कह दिया कि जब वो वसुंधरा राजे का जिक्र करते हैं अशोक गहलोत, तो ये समझ में आ गया धौलपुर में मुख्यमंत्री के भाषण से कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए मामलों की जांच क्यों नहीं होगी, और अब वो इसकी उम्मीद छोड़ चुके हैं और यही कारण है कि वो पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांगने की बात कर रहे हैं। जब सचिन पायलट से यह पूछा गया कि उनके जो पार्टी के लड़ने का अंदाज है वो पार्टी के भीतर रहकर होगा या नई पार्टी बनाने का लेकर होगा, तो पायलट ने कहा कि वो ये समझते हैं कि कई लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो, लेकिन वो कमजोर नहीं होने देंगे, यानी
फिर ये इशारा कि वो पार्टी में ही रहेंगे। जी धन्यवाद करेंगे आपका। राजस्थान में हो रही सियासी हलचल पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका शशि।